Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pratibha Commerce. My name is Aditya Singh. Today we will know the concept of nature and significance of management of class 12 BST. आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझें ये मैनेजमेंट हमारा है क्या। मैनेजमेंट जनरल डे में और जनरल सेंस में अगर हम लोग देखें तो कहीं भी जाते हैं हम लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी के घर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो जाते के साथ हम लोग बोलते हैं अरे यार वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और अगर मैनेजमेंट हमारे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो बोलते हैं बहुत वर्स्ट सिचुएशन था, वहां पे कोई मैनेजमेंट था ही नहीं। तो भैया ये मैनेजमेंट है क्या, ये मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है? तो मैनेजमेंट जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। और ये मैनेजमेंट का भाई मीनिंग क्या है? ग्रीक वर्ड में पहले क्या था? ये पहले जो है इसको नोमोस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नोमोस। मोमोस या पास्ता नहीं, नोमोस। तो ग्रीक टाइम में इस मैनेजमेंट को नोमोस के नाम से जानते थे और जिसको हम लोग मैनेजमेंट कहते थे। तो अभी के समय के अनुसार मैनेजमेंट का हमारा अपना डिफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। जनरल लाइफ में, अपने लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अरे वो लड़की बहुत तेज है, चीजों को मैनेज करता है और काम बहुत अच्छा करवा लेता है। किससे कौन सा काम करवाना है, मतलब कि सही जगह पर सही मोहरा, ठीक है, उसको अच्छा आइडिया है। यानी कि मैनेजमेंट स्किल उसमें है, वो चीजों को मैनेज करता है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, डन थ्रू अदर्स, यानी किसके द्वारा काम करवा रहे हैं, खुद से नहीं, किसी की हेल्प से। किसके द्वारा भाई? डन थ्रू अदर्स, ठीक ना, किसी के द्वारा, विथ फॉर्मली और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी कि समूह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, यानी कि खुद से नहीं, लोगों से कहकर, समझाकर, और ऑर्गेनाइज ग्रुप और नंबर ऑफ ग्रुप के हेल्प से। तो इस चीज को और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। शादी तो भाई हर कोई देखा होगा अपने लाइफ में, नहीं? शादी तो हर कोई देखा होगा और स्कूल भी हर कोई देखा होगा। तो आज उसी का पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, लड़की के बड़े भाई का शादी शायद दिसंबर में है ना जी, अभी दिसंबर में शादी है। क्या नाम है जी उसके भाई का? विश्व प्रताप सिंह। तो शादी जो है दिसंबर में है, तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, समझते हैं। तो इसमें क्या है, अब लड़की का जो बड़ा भाई जो है विश्व प्रताप सिंह, वो क्या करेगा? शादी के लिए क्या चाहिए?
हम लोग भाई मिडिल क्लास फैमिली में, हलवाई, टेंट, हाँ, नंबर ऑफ वर्कर, चीजों को अरेंज करने के लिए बेटर। अकेले तो होने वाला है नहीं, अकेले तो होगा नहीं, कौन सा मेनू बनेगा, क्या सब्जी रहेगा, वो सारा सब कुछ। ठीक है, तो सिंगल बॉडी उसको नहीं कर सकता है। शादी का जो कार्यक्रम है वो सिंगल बॉडी के द्वारा कंप्लीट नहीं होगा। तो किसके द्वारा कंप्लीट हो रहा है? कई लोगों को मिलाकर, छोटा छोटा टुकड़ा में ग्रुप बटा है। कुछ लोग जो हैं शादी के दिन सब्जी का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग सब्जी का, और कुछ लोग जो हैं टेंट लगवा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हाथ धोकर नमस्ते कर रहे हैं, मन ये मेहमान को बुला रहे हैं, और कुछ लोग बैठकर बस ओवरऑल देख रहे हैं। किसी से इसका कमी तो नहीं है। तो यहां पे क्या है, मैनेजमेंट है, और पूरे ग्रुप के हेल्प से जो शादी का जो कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो बताएं, अकेले नहीं, बेटर अलग है, सब्जी लाने वाला अलग है, टेंट वाला अलग है, लाइट वाला अलग है, नहीं फिर से, बेटर अलग है, सब्जी वाला अलग है, हाँ, लाइट वाला अलग है, टेंट वाला अलग है, देन अदर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कुछ फैमिली मेंबर भी होंगे इसमें, कुछ फैमिली मेंबर भी होंगे, और उनके द्वारा काम यानी कि फाइनल हमारा जो एंड रिजल्ट जो है वो हमारा हो रहा है। क्लियर है? यहां तक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोग स्कूल में जब जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल में सिंगल स्टाफ के सारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को, या कंप्लीटली नर्सरी से लेके क्लास 12 तक जो क्लास है, क्या सिंगल बॉडी उसको कंप्लीट कर सकता है, पढ़ा सकता है उसको? नहीं। हम लोग क्या किए हैं, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लासिफाइड किए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हायर अ स्पेशल टीचर। SST के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो टाइम है कि 4 महीने पे, 6 महीने पे हमारा जो एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, ये नंबर ऑफ टीचर के हेल्प से हम अपने स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो वो हमारा स्कूल का मैनेजमेंट है। क्या हमारा है? वो स्कूल का मैनेजमेंट है। और शादी वाला एग्जाम्पल जो था वो क्लियर है। अब है कि देखते हैं हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि शादी विवाह जब भी होता है, ठीक है, शादी विवाह जब भी होता है तो कुछ लोग कहते हैं पैसा का दिक्कत नहीं है, पैसा का दिक्कत नहीं है, कितना भी महंगा हो हम ले लेंगे, हमको भाई जरूरी है, हमको पैसा का दिक्कत नहीं है, कितना भी महंगा हो हमको निड है, हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अर्जेंसी है। और कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं सस्ता में अच्छा, सस्ता में अच्छा सामान जो है हमको दे दीजिए। ठीक है, तो सस्ता में अच्छा यानी कि हमारा क्या हो, क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं हो, और जो हमारा वांट्स जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। एक आदमी कैसा है भाई, जो बोल रहा है कि सस्ता में अच्छा, हमारा क्वालिटी के साथ समझौता भी नहीं हो, और हमारा पैसा भी कम लगे, हमारा पैसा कम लगे यानी कॉस्ट इफेक्टिव हो, पैसा हमारा कम लगे, हमारा सामान मिल जाए। और एक क्या कहता है कि पैसा का दिक्कत नहीं है, कितना भी महंगा हो चलेगा, लेकिन हमको आज का आज चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में हमारा काम जो है होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग मैनेजमेंट में जो आज का आज जो काम हो रहा है, पैसा का दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग इफेक्टिवनेस कहते हैं। और
कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि सस्ता में अच्छा, तो हमारा वो इफिशियंसी रहता है। उसको हम लोग समझेंगे अभी। आइए पहले डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। यहां तक क्लियर है? सिंगल आदमी नहीं, कई लोगों के हेल्प से मिलके। अभी जस्ट बताएं कि विश्व प्रताप का शादी है, तो शादी का कार्य जो है अकेले नहीं करेगा, हल्दी खुद से लगाएगा, मंडप खुद से बनाएगा, वो ऐसा धोने वाला है नहीं। वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ पीपल का हेल्प लेगा। तो वही मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, गेटिंग थिंग्स कंप्लीट हो रहा है थ्रू अदर्स एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर देखिए, इसी मैनेजमेंट के डेफिनेशन को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में मैनेजमेंट का कार्य जो है कैसे होता है, ठीक है, कंपनी में और मैनेजमेंट का कार्य हमारा जो है कैसे होता है। देखिए भाई, एक फैक्ट्री मैनेजर है, एक मैनेजर है कि देखिए मैनेजर हम लोग किसको कहेंगे, मैनेजर हम लोग उसको कहते हैं जो कि सही चीजों को जो है मैनेज करके, सही चीजों को मैनेज करके सही समय पर उसको कंप्लीट करें, ज्यादा पैसा भी ना लगे, अच्छी चीज कंप्लीट हो जाए, काम हो जाए। तो देखिए एक फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है, देखिएगा यहां पे डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। एक फैक्ट्री मैनेजर है तो यहां पे क्या कर रहा है, फैक्ट्री मैनेजर अपना टास्क बांटा है किसको, प्लानिंग मैनेजर को, उसके बाद प्रोड्यूसर ऑफिसर को, और प्लानिंग मैनेजर में क्या है, रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिन ऑफिसर है, और यहां पे प्रोडक्शन ऑफिसर। इन फैक्ट्री मैनेजर ने अपना दो इसका जो टास्क है कंप्लीट करने का, कि हमको जो है, ठीक है, क्या करना है, 10,000 इन ए मंथ 10,000 का प्रोडक्शन करना है। यहां पर लिख देते हैं 10,000 प्रोडक्शन, 10,000 का प्रोडक्शन करना है। तो क्या करता है, प्लानिंग मैनेजर को बता देता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफिसर को, और उसके बाद प्लानिंग मैनेजर किसको भेजता है भाई, रूट कलर को, ये किसको बोलता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर को, टाइम एंड कॉस्ट कलर को, डिसिप्लिन ऑफिसर को, गैंग बॉस को, स्पीड बॉस को, अंडर प्रोडक्शन ऑफिसर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर एंड अल्टीमेटली वर्कर्स। और फाइनली जो हमारा इन ए मंथ 10,000 जो प्रोडक्शन है वो हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर फैक्ट्री मैनेजर चाहे कि अकेले सब काम कर दे, प्लानिंग भी कर ले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी हैंडल करना संभव नहीं है, उसके लिए क्या किया है, उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जो है बना दिया है, और फाइनली ये इसका जो टास्क है इसका टास्क कंप्लीट हुआ। शादी वाला जो एग्जांपल बताया उसमें क्या है, फाइनली शादी जो है हर किसी के हेल्प से कंप्लीट हो रहा है, स्कूल रन हो रहा है, स्कूल कोई सिंगल बोर्ड नहीं चला सकता है, स्कूल चलाने के लिए नंबर्स ऑफ टीचर, नंबर्स ऑफ स्टाफ, ठीक है, उनके द्वारा हमारा काम जो है। अब आइए मैनेजमेंट में, ठीक है, हमारा इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिवनेस में कहता है कि इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब, कंप्लीटिंग द जॉब यानी कि हमारा जो टास्क रहता है, टारगेट, टारगेट हम लोग बोल सकते हैं, मैनेजमेंट्स में मैनेजर का जो मैनेजर होते हैं उनका अपना टारगेट रहता है भाई। जैसे यहां पे टारगेट था कि 10,000 प्रोडक्शन जो है करना है फैक्ट्री में इन ए मंथ, तो क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है, वन मंथ है तो वन मंथ में यहां पर हो जाना चाहिए। ऑन टाइम मतलब क्या है, वन टाइम ड्यूरेशन क्या है, वन मंथ, ठीक है, नो मैटर व्हाट अबाउट द कॉस्ट। अभी जो बताया पैसा है हमारे पास, जो बताया ना पैसा मेरे पास है, हमको सेम डे में चाहिए, ठीक ना, पैसा का दिक्कत मेरे पास नहीं है, हमको अर्जेंसी है, आज का चाहिए, देखिए एक महीना में जो टास्क है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, 10,000 प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए, नो मैटर व्हाट अबाउट द कॉस्ट, टू अचीव इन रियल ऑन टाइम, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, यानी कि हमारा पैसा का इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट जो है इसमें सबसे बड़ा चीज, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, ऑन टाइम हमारा होना चाहिए, ठीक है, जो टारगेट है वन मंथ का, ठीक है, वन मंथ का जो टारगेट है प्रोडक्शन का,
ठीक है, जो टारगेट है वो कंप्लीट हमारा होना चाहिए, इसमें पैसा का दिक्कत नहीं है। देखिए एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, सस्ता में अच्छा, ठीक है, कंप्लीटिंग द जॉब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीटिंग द जॉब कॉस्ट इफेक्टिव कैसा होना चाहिए हमारा, कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि सस्ता में अच्छा, ठीक है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हमारा पैसा ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पर क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स का पूरा यूटिलाइज करके अच्छा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, सस्ता में अच्छा, क्या होना चाहिए, सस्ता में अच्छा, ठीक है, यानी कि हमारा इसमें क्या है कि आपका एफोर्ट्स ज्यादा ना हो, मिनिमम एफोर्ट्स हो और आउटपुट ज्यादा हो, और प्रोडक्शन के लिए पैसा ज्यादा नहीं लगे, ठीक है, लेकिन हमारा क्वालिटी और रिजल्ट हमारा अच्छा है, ठीक है, तो कॉस्ट इसमें हमारा जो रहता है एफिशिएंसी में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, और इसमें क्या हमारा है भाई, ऑन टाइम, इसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंसी में ध्यान देने वाली बात है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट बेनिफिट है, इसमें ये क्या है, ऑन टाइम है, नो वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि इफेक्टिवनेस में क्या है, पैसा है हमारे पास, पैसा का हमारे पास दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसा का दिक्कत नहीं है, पैसा हमारे पास कैसे, लेकिन हमको इमरजेंसी में आज का आज चाहिए, मनी डज नॉट मैटर भाई, आज का आज, बराबर है। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं हमको, एग्जांपल सबसे पहले इफिशियंसी का, इफेक्टिवनेस क्लियर है जी, ऑन टाइम हमारा होना चाहिए, मान लीजिए कि एक महीना में 10,000 का प्रोडक्शन करना है हमको, ठीक है, एकदम इमरजेंसी है, ठीक ना, तो हम वहां पे अपना, तो हमारा इफेक्टिवनेस है उसमें, पैसा का दिक्कत नहीं है, हमारा ऑन टाइम होगा, ध्यान देने वाली बात है, पैसा का दिक्कत नहीं है, ऑन टाइम हमारा होगा, ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इफेक्टिवनेस में एफिशिएंसी में लड़का आ जाते हैं, बीकॉम पार कर लेते हैं, इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस में क्लियर नहीं, तो ध्यान देने वाली बात है, इफेक्टिवनेस में क्या है, टास्क टारगेट जो है हमारा कंप्लीट होगा ऑन टाइम, अभी नहीं कि ब्याह शादी आज है, मंडप सजाने के लिए आ रहा है एक महीना बाद, तो काम चलेगा नहीं चलने वाला, तो ऑन टाइम हमारा होना चाहिए, ठीक है, इफिशियंसी, नो वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसमें हम कह सकते हैं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्स है उस रिसोर्स का पूरा यूटिलाइज कीजिए। चलिए इफिशियंसी का एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से, सपोज कीजिए कि हमको पटना से जाना है रांची, ठीक है, तो ट्रेन चलती है भाई सुबह सुबह, आपको ये कोई है ट्रेन जिसका कॉस्ट जो है इफेक्टिव है, ठीक है, जनरली में, और उसका टिकट भी जल्दी मिल जाता है, तो पटना टू रांची का ट्रेन का, पटना टू रांची ट्रेन जर्नी, ठीक है, जिसका कॉस्ट स्टार्टिंग हमारा हो रहा है, ठीक है, 185 है, ठीक है, उससे अगर ऊपर जाते हैं तो 255 है, ठीक है, स्लीपर का, उससे और ऊपर जाते हैं तो हमारा 345 है, 345 है, ठीक है, और अगर एसी में जाते हैं हम लोग, एसी में जर्नी करते हैं, ठीक है, तो हमारा 665 लगता है, बट ये क्या है, ये जनरल डे में, तो यहां पे क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है ना, यहां पे कॉस्ट इफेक्टिव जनरल में क्या है, यहां पे कॉस्ट, यहां पे इफेक्टिव है, और इफेक्टिवनेस में क्या है, जर्नी इन इमरजेंसी केस फ्रॉम पटना टू रांची, और अब यहां पे क्या बोले कि पैसा का मेरे पास दिक्कत नहीं है भाई, ऑन टाइम, यानी कि इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑन टाइम, यहां पे इमरजेंसी में ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिवनेस यानी कि ऑन टाइम, यानी कि जर्नी इन इमरजेंसी केस हमको जाना है, तो बाय रोड हमारा कितना लग रहा है जी, 10,000, बाय रोड हमारा कितना लग रहा है, 10,000, ठीक है, और बाय एयर हमारा लग रहा है 6,000, तो ये क्या है, ये हमारा ऑन टाइम हो रहा है,
ऑन टाइम, तो ये हमारा इफेक्टिवनेस है, ठीक है। और इसमें क्या हमारा है, कॉस्ट इफेक्टिव। तो मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या हमारे मिडिल क्लास फैमिली में शादी हो या कोई फंक्शन होता है, ठीक है, और कोई भी फैमिली मेंबर या स्कूल या जो ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर चीजों को एज ए मैनेजर के पोस्ट पे है, ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैनेजर होता है और हमारे डेली लाइफ में जो फैमिली हेड होते हैं वो सारी चीजों को लीड करते हैं, तो उनमें वो गुण होना चाहिए इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का। इफेक्टिवनेस मतलब ऑन टाइम हमारा होना चाहिए, और इफिशियंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव एंड इफिशियंसी मैनेजर कैन अचीव द गोल, मैनेजर कैन अटेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है गोल को अचीव करता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। एक बार फिर से समझ लेते हैं, द टर्म मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड नोमोज, नॉट मोमोज, नोमोज, ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका नाम, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग भाई, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जस्ट बताया अभी विश्व प्रताप का शादी हो रहा है, तो शादी मंडप भी खुद कर लेगा, खाने का भी व्यवस्था खुद कर लेगा, मेहमानों को भी खुद देख लेगा, ऐसा नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ क्या, ऑर्गेनाइज ग्रुप। और मैनेजर का, जैसे विश्व प्रताप का ये उसका खासियत है कि लोगों से कहकर काम करवा लेता है, अच्छा मैनेजमेंट स्किल उसमें लोग बता रहे, उसमें मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्लियर है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल में समझाया है यही मैनेजमेंट का, कि फैक्ट्री मैनेजर है 10,000 प्रोडक्शन जो है करना है एक महीना में, वन मंथ में, ठीक है, 10,000 प्रोडक्शन करना है, तो वो क्या किया, वो अकेले कर देगा, नहीं, प्रोडक्शन के लिए क्या करेगा, वो प्लानिंग मैनेजर को फॉरवर्ड किया, प्रोडक्शन ऑफिसर को फॉरवर्ड किया, प्लानिंग मैनेजर जो है रूट कलर इंस्ट्रक्शन टाइम डिसिप्लिन ऑफिसर फाइनली गैंग बॉस स्पीड बॉस रिपेयर बॉस इंस्पेक्टर एंड फाइनली वर्कर, वर्कर के द्वारा हमारा ये टास्क जो है वन मंथ का वो हमारा कंप्लीट हुआ। सिमिलरली हमारे डेली लाइफ में भी जब शादी विवाह होता है तो किसी एक के द्वारा नहीं, हर किसी के हेल्प से हमारा वो फंक्शन जो है कंप्लीट होता है। और हमारे, और सिमिलरली अगेन हमारे स्कूल में भी कोई अगर एक पर्सन चाहे कि कंप्लीट कर ले, ठीक है, सारे सिलेबस भी कंप्लीट करा ले, पीटीएम भी करा ले, सब कुछ करा ले, तो संभव नहीं है, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के हेल्प से ही वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आइए इफेक्टिवनेस क्या हमारा, ऑन टाइम हमारा होगा, टू अचीव इन रिजल्ट ऑन टाइम, यानी कि जो टास्क है, जस्ट बताया ना अभी कि शादी का समय है, ठीक है, और शादी से रिलेटेड मान लीजिए कि मंडप वाला जिसको बुलाया गया था वो आया नहीं, और उसी दिन शादी है, जनरल डे में बोल रहा है कि लगेगा 5,000 और जिस दिन शादी है वो बोल रहा है लगेगा 20,000, तो क्या है वो वहां पर उस समय क्या देखा जाएगा, क्योंकि भाई वो अर्जेंसी है, तो वहां पे क्या है उस समय इन रिजल्ट ऑन टाइम, ठीक है, तो वो हमारा इफेक्टिवनेस हो जाएगा। यहाँ पे बताया समझाया गया टास्क टारगेट वन मंथ में हमारा अचीव होगा, ठीक है। इफिशियंसी का क्या है भाई, जनरल डे में हम लोग जाते हैं पटना चुराची, जो हमारा रेंट है ट्रेन का 185, 255, 345, 665, तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस में क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारे रिलेटिव्स या फैमिली कोई रह रहा है रांची, ठीक है, और अर्जेंसी में जाना है, ट्रेन का टिकट मिला ही नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, ट्रेन का वेट करेंगे, नहीं, वहां पे हम लोग जो व्यवस्था मिलेगा उसके अनुसार हम लोग चल देंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये हमारा इफेक्टिव है, तो ऑन टाइम हमारा होगा, क्या हमारा होगा, ये ऑन टाइम, इफेक्टिवनेस हमारा ऑन टाइम होगा और इफिशियंसी हमारा है कॉस्ट इफेक्टिव। तो एक मैनेजर जो है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनी में विद द हेल्प और कॉम्बिनेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी मैनेजर कैन अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और ठीक है इसको कॉपी दीजिए, ठीक है इसको कॉपी दीजिए और फिर उसके बाद हम इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी याद क्लियर था सबको। चलिए अब नेक्स्ट है फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो है यहां तक हम लोग देख लिए थे कि मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस देख लिए थे, मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी फैमिली एवरी लेवल पे हमारा मैनेजमेंट जो है नीडेड रहता है और जहां पे मैनेजमेंट रहता है वहां पे हमारा काम जो अच्छे से होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या फीचर्स है ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सबसे पहला मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट हमारा, क्या है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट क्या हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन गोल, विदाउट एनी गोल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल रहता है और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प से उसको हम लोग अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल्स विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि जो गोल रहता है हमारा वो गोल हमारा कंप्लीट होता है कैसे, मैनेजमेंट की हेल्प से, प्रॉपर वे में सारी चीजों को करने से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। तो बताए थे कि इमरजेंसी क्या है, ऑन टाइम, यानी कि हमारा क्या है इफेक्टिवनेस, क्या है हमारा ऑन टाइम, नहीं, और इफिशियंसी क्या है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता में अच्छा, ठीक है, क्या हमारा सस्ता में अच्छा। तो यानी कि मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं इफेक्टिवनेस, यानी कि कोई भी मैनेजर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर रहता है वो इफेक्टिवनेस, यानी कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की हेल्प से वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका गोल जो रहता है उसको वो अचीव करता है। इफेक्टिवनेस मतलब जो टारगेट है उसका, हाँ, जो टारगेट है उस टारगेट को ऑन टाइम वो अचीव करता है, उसमें कॉस्ट डज नॉट मैटर। कॉस्ट मतलब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है भाई, इफिशियंसी मतलब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हमारा होना चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि इसमें जो है हमारा पैसा ज्यादा नहीं लगे, ठीक है, पैसा हमारा ज्यादा नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख जो है हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देख लेते हैं हम लोग, एबीसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, 1 महीना में उसको जो है 1 लाख उसका बजट है और उसमें उसका जो टारगेट है उस टारगेट को कंप्लीट कर लेना है, तो 1 लाख से कम में होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव है भाई, 1 लाख से कम में होता है तो कॉस्ट इफेक्टिव है, अब ज्यादा जाएगा, ठीक है, तो वो लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन ऑन टाइम जब करना है 1 लाख से जब ज्यादा जाएगा तो वो हमारा इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ऑन टाइम उसको करना है,
और इफिशियंसी मतलब क्या है कि हमारा जो 1 लाख जो बजट है उससे हमारा बिलो में हो जाए, यानी कि जीरो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जीरो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? मैनेजमेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन काम हो गया और फिर जो है चलने लगा। क्लियर है? तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाला है। और स्कूल में हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर वे में एक बार काम होता है तो क्या फिर काम नहीं होता है? बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है भाई। ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव। ठीक है? मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, यानी कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, यानी कि अब हम लोग देखे थे कि आपको फैक्ट्री मैनेजर है, उस फैक्ट्री मैनेजर में प्रोडक्शन मैनेजर है, हाँ, और प्लानिंग मैनेजर है। तो इन अब्सेंस ऑफ प्लानिंग मैनेजर, इन अब्सेंस ऑफ प्लानिंग मैनेजर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन रोल कैन नॉट बी अचीव। तो क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। ठीक है? मैनेजमेंट में से अगर कुछ भी घटेगा, ठीक है, तो वो क्या हमारा हो जाएगा, जीरो। और मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल एट ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। ठीक है? हमारा फैमिली जो है, हमारा फैमिली जो है वो जो है क्या है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। क्या हमारा है वो, नॉन फैमिली क्या है हमारा भाई, नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है? तो ये जो है बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी दोनों में अप्लीकेबल रहता है और ये यूनिवर्सल है। क्या हमारा ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह अप्लीकेबल होगा, हमारे फैमिली में, ठीक है, हमारे फैमिली में भी मैनेजमेंट रहता है कि भाई यहां पे काम ऐसे होता है, बरसों से काम ये चलते आ रहा है, तो ये हमारा यूनिवर्सल है। बिजनेस एक्टिविटी नॉन बिजनेस एक्टिविटी दोनों में हमारा ये जो है अप्लीकेबल रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ये तो क्लियर है भाई कि मैनेजमेंट क्या है हमारा, ये ग्रुप एक्टिविटी है। सिंगल पर्सन कैन नॉट डू द वर्क, सिंगल पर्सन अगर चाहे कि चीजों को हम कंप्लीट कर दें, इन रिजल्ट दें, इट इज नॉट पॉसिबल। वो ग्रुप एक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी, सॉरी विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा चेंजेज आता रहता है। ठीक है? तो जैसा हमारा चेंजेज आता है उस चेंज के अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट जो है काम करता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 31 मार्च तक था कि BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 मोटर गाड़ी, मोटर कार, बाइक ये जो है रन होगा 31 मार्च। उसके बाद गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, इसमें चेंजेज आ रहा है। तो यहां पे मैनेजमेंट क्या करेगा, काम करना छोड़ देगा? नहीं, डायनेमिक यानी कि चेंजेस, जो चेंज हो रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग काम करना। जो भी गवर्नमेंट्स का नॉर्म्स, जो भी गवर्नमेंट्स का रूल्स रेगुलेशन, या जो भी प्रॉपर कंपनी है उस कंपनी का रूल्स रेगुलेशन अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को काम करना है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल BS4 भारत स्टेज 4 31 मार्च तक था, ठीक है, और वो उसके बाद जो है हमारा अप्लीकेबल हो जाएगा BS6। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्शन करेगा
with the norms of BA6. ठीक है, जो भी BA6 का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग. तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एन एवरी चेंजिंग एनवायरमेंट. ठीक है, वो जो है चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है और जो भी चेंजेस जो होता है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग वो जो है काम करते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट क्या है हमारा, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि सिंगल प्रोसेस नहीं है, सिंगल वाला नहीं है, ये मल्टी है. तो भाई इसको समझिएगा, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको समझिएगा. जैसे इसका 3 पॉइंट्स है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क. तो हम लोग देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फॉर्म या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी जब रहता है तो क्या करता है, उसका काम करना है. उसका काम क्या है, काम करना, यानी कि काम क्या करता है भाई, तो वह कुछ प्रोड्यूस करता है. क्या करता है, वो कुछ प्रोड्यूस करता है. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वो कुछ वर्क करता है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि वो किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा. किसके द्वारा, पीपल के द्वारा. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, वो फाइनली वो क्या होता है, जब यहां पे प्रोड्यूस हो गया किसके हेल्प से, तो पीपल के हेल्प. मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी कि काम हो रहा है फैक्ट्री में, क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रहा है. किसके द्वारा, तो पीपल के द्वारा. तो जब ये काम हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये ऑपरेट भी होगा, तो ऑपरेशंस में क्या होगा, फाइनली हमारा इसमें सेल होता है. क्या होगा, हमारा इसमें सेल होगा. यानी कि मल्टी डायमेंशनल में हमारा वर्क होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, लोगों के द्वारा, और फाइनली हमारा वो ऑपरेट होगा, यानी कि वो सेल होगा. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, फाइनली हमारा वो अब सेल होगा. तो आइए हम लोग इसको पाई चार्ट से समझते हैं. मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है हमारा, देखिए एक चीज आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी हो या कोई फॉर्म हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो, उसमें मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस की तरह काम करता है. तो क्या रहता है भाई प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल कि राहुल जो है यहां पे कुछ बिजनेस करना चाहता है. तो बिजनेस तो ढेर सारा है भाई, उससे माइंड में आ चुका है कि बिजनेस करना है, लेकिन क्या करना है, बिजनेस क्या चीज का बिजनेस करेगा. तो वो डिसाइड करता है भाई कि हमको बिजनेस करना है. क्या चीज का बिजनेस रहेगा भाई, तो वो बोलता है डेयरी फार्मिंग हम रन करेंगे. उसने सोचा, क्या सोचा, कि बिजनेस करना है, और बिजनेस किस चीज का, डेयरी फार्मिंग, यानी कि प्लानिंग. उसने प्लान किया मुझे डेयरी फार्मिंग करना है. डेयरी फार्मिंग के बाद वो क्या करता है, अब जो है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज्ड, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया. डेयरी फार्मिंग के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्स होगा उसको वो जो है इकट्ठा करेगा. स्टाफिंग, यानी कि उसका जो डेयरी फार्मिंग है उसके अकॉर्डिंग जो स्टाफ होंगे उनको वो रिक्रूट करेगा और फाइनली वो काम करना शुरू करेगा. स्टाफिंग डायरेक्टिंग, किस डायरेक्शन में स्टाफ को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, डेयरी फार्मिंग, यानी कि उस मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसका जो डायरेक्शन होगा, अच्छे से जो काम हो उस डायरेक्शन में वो जो है रन करेगा, और फाइनली कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करना, देखना कहीं भटक तो नहीं रहा है भाई. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, और इसके इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमारा काम जो है होता है, हर फैक्ट्री में, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंडस्ट्री में, हर जगह, स्कूल में ऑल्सो. ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जो मल्टी डायमेंशनल बताया, इसमें हमारा क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसमें मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क इसमें प्रोड्यूस कर रहा है पीपुल के द्वारा और फाइनली ऑफिस. देखिए इसको, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है भाई हमारा, पहले प्लानिंग, यानी कि राहुल ने डिसाइड किया है यहां पे क्या, डेयरी फार्मिंग.
तो प्लान किया है वो, ठीक है। प्लान के बाद वो सेट ऑर्डरिंग वो ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर बनाया उसका, ठीक है। और फाइनली मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा ये कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग करना, क्या करना, मॉनिटरिंग करना कहीं भटक तो नहीं रहे हैं बिजनेस की है डेयरी फार्मिंग का, और शू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा डायरेक्शन है तो नहीं, कंट्रोलिंग हमारा ये होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, स्टाफिंग एंड राइट मैन टू द राइट पर्सन, स्टाफिंग में क्या है जो डेयरी फार्मिंग का काम जो है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टाफ चाहिए, डायरेक्शन उनको उसी दिशा में फॉरवर्ड करना, ले जाना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है हमारा, ऑपरेशन में हमारा प्रोडक्शन हो चुका है, सेल्स होगा, और फाइनली क्या होगा, जैसा हमारा नीड रहेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का फॉरवर्ड परचेज करना। क्लियर है सबको, नट से एक बार फिर सब समझ लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव और फीचर्स में मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इन विजन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ऑन टाइम, ठीक है, कोई भी काम डिले नहीं, जो टाइम पे चाहिए उसी टाइम पे हो और हमारी एफिशिएंसी हो। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यू चलने वाला चीज है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि हर जगह होगा। अगर बिजनेस एक्टिविटी या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, जहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा रिजल्ट जीरो होगा, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी, जहां पे मैनेजमेंट नहीं है वहां पर रिजल्ट आएगा जीरो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट यानी कि कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो या फैमिली फंक्शन हो या कंपनी हो या फैक्ट्री हो, उसमें सिंगल पर्सन जो है काम नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स के बाद ही, उनके एफर्ट्स के साथ ही हम गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्रेज नहीं है, सत्यमान नहीं हम। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, जैसा हमारा चेंजिंग होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के चेंजिंग के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन के चेंजिंग के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा, और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपना काम करता रहेगा। जैसे बताया कि गवर्नमेंट का अपना रूल्स है, रेगुलेशन आ गया, 31 मार्च तक हमारा VS4 रहेगा, और 31 मार्च के बाद और जितना भी प्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, वो हमारा VS6 के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें मैनेजमेंट हमारा क्या हो रहा है, उसमें खुद को क्या कर रहा है, अपने आप को वो जो है एडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, ये सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी है, ठीक है। तो भाई क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, इसमें हमारा फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, उसके बाद किसके द्वारा, तो पीपल के द्वारा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और फाइनली क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, फाइनली प्रोडक्शन हो जाता है पीपल के द्वारा, और फाइनली उसको हम लोग मार्केट में शेयर करते हैं, यानी कि जो मेन गोल है ऑपरेट करना उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमारा आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जो भी हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जो भी हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, और फाइनली कंट्रोल करते हैं, जो गोल है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा इसको, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमें करना क्या है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लान। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, जैसा हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजिंग, और फाइनली जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा, तो लोगों क्या है, स्टाफ, क्या हमारा है भाई, स्टाफ, कैसा स्टाफ चाहिए हमको, कैसा स्टाफ चाहिए, जैसा हमारा काम है फैक्ट्री में जो काम हो रहा है या डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, दूसरे को हमको स्टाफ चाहिए उसी, और किस दिशा में जाना है उसी दिशा में, तो डायरेक्शन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, सेल्स, और हमारा फाइनली सेल होगा। चलिए, तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, एक तरीके का मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, सॉरी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है, और मैनेजमेंट के डिफिनेशन देखते हैं, मैनेजमेंट क्या है हमारा, लोगों के द्वारा हमारा काम जो है होता है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना रहता है, नया प्रोडक्ट को लाना रहता है, तो इनोवेटिव मेथड के थ्रू और अपने कंपटीटर्स को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं,
प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और फाइनली हमारा कंट्रोलिंग होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, यहाँ पे फीचर्स और इम्पोर्टेंस हो गया था, अब इस क्लास में का हम लोग का लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी और ए फॉर्म और ए इंडस्ट्री, कंपनी में, फॉर्म में, इंडस्ट्री में, हाँ, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? फिर से, कंपनी में, फॉर्म में, हाँ, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट जहां हमारा एप्लीकेबल रहता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ठीक है, बेसिकली फॉर ए कंपनी और ए फॉर्म और इंडस्ट्री। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है क्या रहता है? ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जो भी रिसोर्सेस है उस रिसोर्स को एक्युमुलेट करना। क्या करना? उस रिसोर्स को एक्युमुलेट करना। तो इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। क्या है भाई? इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ABCDXYZ, उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन, हाँ, और उसका जो भी फिजिकल रिसोर्स है, यानी कि उसका जो भी रिसोर्सेस है, जमीन, जो भी रिसोर्सेस है अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके हेल्प से, हाँ, उसके ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स के हेल्प से क्या करना? जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को अचीव करना। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई ऑर्गेनाइजेशन का? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि ह्यूमन और जितना भी उसका रिसोर्स है, जमीन, प्लांट, मशीनरी, लैंड, नहीं होता लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मैन पावर, ये जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स से, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन करता है क्या भाई? सर्वाइवल, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी फॉर्म, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल और फिजिकल रिसोर्स से वो चाहता है कि लंबे समय तक चले, सर्वाइव करे। क्या करे? वो लंबे समय तक सर्वाइव करे, लंबे समय तक चलता रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म, इंडस्ट्री या कंपनी बनाए 2020 में, 2021 आते आते पता चले कि खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए भाई। ऐसा काम हो, ऐसा कार्य हो कि वो चले, यानी कि सर्वाइव करे, लंबा समय तक चले। दूसरा, सेकेंड चीज क्या है भाई? हमारा प्रॉफिट हो। हम खोले हैं फैक्ट्री किसके लिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने। तो चैरिटी हम नहीं देंगे, सोशल सर्विस नहीं देंगे, हमारे काम के साथ हमारा जो गोल्स है उस गोल के अचीवमेंट के साथ हमें कुछ अर्न हो, हमें कुछ प्रॉफिट हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रोथ हो। ठीक है, 2021 में हमारा टर्नओवर अगर 25 करोड़ है तो 2020 में हमारा कोशिश रहेगा कि 25 करोड़ से मोर देन, यानी कि मार्केट में हमारा पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, डे बाय डे बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि 2020 में रिटर्नओवर हमारा उतना था और उससे 21 में हमारा कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ग्रोथ होना चाहिए।
क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास मैन पावर है, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, कैपिटल, जो भी हमारा फिजिकल रिसोर्सेस है, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स में हम लोग बोल सकते हैं लैंड बिल्डिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, लैंड बिल्डिंग अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, उसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब गोल, जो भी गोल्स है उसको अचीव करना। नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में कहता है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट जब बनाती है, अपने लिए तो बनाती नहीं है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट इसलिए बनाती है, फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस टू द कंजप्शन हाउस। कहां से कहां तक भाई? फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस टू द कंजप्शन हाउस, यानी कंपनी के प्रोडक्शन हाउस से लेके कंजप्शन हाउस। तो कंजप्शन करने वाला कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? तो सोसाइटी। कंज्यूमर कौन है? तो सोसाइटी है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो सोसाइटी के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट भी रखेंगे। अब अगर कोई भी कंपनी शैंपू का प्राइस जो है 2000 में 10 ml दे, मार्केट में चलेगा वो नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। दूसरा चीज कि प्राइस के साथ साथ वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उनके लिए यूजफुल होना चाहिए, जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सोशल ऑब्जेक्टिव, इट रिफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज जब कीजिएगा तो उसमें देखिएगा, उस पर लिखा रहता है पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इट इज नॉट हैजार्डियस फॉर आवर हेल्थ, हेल्थ के लिए जो है वो खराब नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हमारा बनता है, ठीक है, तो हेल्थ सेफ्टी को देखते हुए और प्राइस कंट्रोल, जो बताया अभी 10 ml का प्राइस अगर 2000 हो तो मार्केट में चलने वाला नहीं है, कौन सी का? शैंपू का, ठीक है। और किसके लिए? वो हेल्थ सेफ्टी के लिए, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एसी है, हाँ, हमारा फैन है या इलेक्ट्रिक वायर है, वो कैसा हो? वो हमारा हेल्थ, ठीक है, क्या हो? हमारा सेफ्टी दे, ठीक है। या कोई भी प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, या मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, या मिक्सर कंज्यूम कर रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए वो हजार्डियस नहीं होगा, वो डैमेज करने वाला नहीं है, हमारे लिए सेफ्टी होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई ऑर्गेनाइजेशन का, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस सोसाइटी का जैसा इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग रखना है। क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव में? प्राइस, सबसे पहले प्राइस कितना हो, सोसाइटी जितना बियर कर सके, यानी कि सेल जितना हो सके, दूसरा उनका हेल्थ सेफ्टी हो, ठीक है। थर्ड वन इज दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल आदमी तो काम कर नहीं रहे हैं भाई, नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप एफोर्ट है, तो ग्रुप एफोर्ट्स की हेल्प से जब वो काम हो रहा है तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल है तो पर्सनल हो गए इंडिविजुअली है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट नेचर के जो पीपल जो होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो भी पीपल काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके का मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो, और साथ साथ सामाजिक रूप से,
एक बार फिर से, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ये रहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो इंप्लॉय हैं मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली, उनका जो भी नीड है, एक बार फिर से, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहता है जितने भी नंबर ऑफ इंप्लॉय हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक तरीके से अस्थाई संपत्ति है, क्योंकि उनके ग्रुप एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके हेल्प से ना काम हो रहा है जी, तो अस्थाई संपत्ति हुए हैं, तो उनका केयर कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मेंटली, फिजिकली और सोशली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो। अगर उनका कोई पर्सनल नीड है, ठीक है, तो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफिल करेगा। और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कि ग्रुप इफोर्ट के अकॉर्डिंग, फिर से समझते हैं, ग्रुप इफोर्ट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के हेल्प से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के हेल्प से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, तो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, राम, श्याम, घनश्याम, लक्की, सरोज, राहुल, बिट्टू, धीरज, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो वर्कर जो हैं, जिनका नाम बताया अभी, इनका जो भी पर्सनल नीड है उस नीड को फुलफिल करेगा ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखिए इसको, इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एवरी ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट नेचर के हैं, उनको जैसा उनको फाइनेंशियली नीड पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या देगा? लोन ग्रांट देगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है? जैसा उनको, मान लीजिए कि उनके फैमिली मेंबर में किसी का एक्सीडेंट होता है या घर में नीड रहता है फाइनेंशियली, ठीक है, तो उनको हेल्प करेगा। और सोशल नीड, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे सामाजिक रूप से उनको क्षति हो, सामाजिक रूप से वो जो है डैमेज हो, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। तो सामाजिक रूप से देखते हुए और फाइनेंशियली, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब क्या है देखिए, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस के थ्रू हमारा काम करता है। अभी जस्ट पीछे वाले सेशन में बताए थे, ठीक है, कि मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस के थ्रू काम करता है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या स्कूल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या कंपनी हो, वो जो है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा वो काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। एंड नेक्स्ट वन इज दैट मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है भैया? एक प्रोसेस है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले लोग बोले, पहले प्लान करो तुम्हें करना क्या है भाई, पहले प्लान करना, तुम करना क्या है तुमको, तो पहले हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, पहले प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसा हमारा जो हमने प्लान किया है, प्रीवियस में बताए थे डेयरी फार्मिंग का, तो हम प्लानिंग किए हैं कि हमको डेयरी फार्मिंग करना है, प्लानिंग कर लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, हमारा फिजिकल रिसोर्स होगा, मैन पावर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट स्टाफिंग, उसके अकॉर्डिंग जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है डेयरी फार्मिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टाफ आएंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग यानी कि हम कॉम्पिटिटर को देखेंगे, डेयरी फार्मिंग में मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, सुधा, अमूल, हाँ, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे बेस्ट दें, ठीक है, और क्वालिटी को मेंटेन करें, ये हमारा डायरेक्शन होगा। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग करना, जिनको जो काम दिया गया है वो कर रहे हैं कि ऐसे सो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा काम है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, एंड ऑल्सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टेपिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं भाई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट लिए हैं, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस पढ़े हैं,
उससे पाई चार्ट पढ़े, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ा कीजिए और बिल्कुल आप एक ना एक दिन आपका जो भी गोल्स है उस गोल को अचीव कीजिएगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग, क्योंकि इम्पॉसिबल इज ऑलवेज से आई एम पॉसिबल. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में.